हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइकिंग से, आपके शेयरिंग से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा जीएसटी में काम करने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में जो कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स या कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। और उन कैंप्स या रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स की जो कॉस्ट है उसमें ही बोर्डिंग और लॉजिंग, रहने खाने पीने का खर्चा सब इंक्लूडेड होता है। अगर इन रिलीजियस प्रोग्राम्स या कैंप्स का जो प्राइमरी एंड प्रेडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव एक्ट पर्पस अगर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा है, और वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से कॉस्ट में उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग फी इंक्लूडेड है, तो ये एक्टिविटी अगर रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट ने की है जो कि सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये एक्टिविटी जीएसटी से एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर वो मेयरली अकोमोडेशन देता है या फूड सर्व करता है रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वो एक्टिविटी टैक्सेबल होगी। भले ही वो फिटनेस कैंप्स लगाता है, जो एरोबिक्स, म्यूजिक, डांस के कोई भी इस तरह के कैंप्स लगाता है, वो एक्टिविटी भी टैक्सेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके साथ मैंने ये शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।